यूं तो शार्क को समुद्र की दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। पानी के नीचे अधिकतर जीव जंतु और मछलियां शार्क से दूर रहना ही पसंद करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शार्क की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला शार्क से पंगा लेने की हिम्मत किस जीव में है। लेकिन आपको बता दें कि समुद्र की दुनिया आपकी और हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा विशाल है, और इस विशाल दुनिया में कई ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही समुद्री जीवों के बारे में बात करेंगे जिनसे शार्क भी डरती है। एक वीडियो में देखा गया था कि समुद्र की सैकड़ों फीट गहराई में दो शार्क आपस में खेल रही होती हैं, तभी अचानक एक शार्क मूर्छित अवस्था में आ जाती है। और जब वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला कि किसी जीव ने शार्क पर अटैक कर दिया है। ये जीव कोई और नहीं बल्कि जायंट आइसोपॉड है। इन्हें समुद्र की दुनिया का कॉकरोच, मॉन्स्टर या फिर एलियन भी कहा जाता है। ये दिखने में काफी खतरनाक और विशाल होते हैं। आज तक वैज्ञानिकों को जायंट आइसोपॉड्स की 7 प्रजातियां ही मिल पाई हैं। ये समुद्र में 500 से 7000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। कभी कभी मछुआरों के जाल में भी ये फंस जाते हैं, और कई बार रिसर्च द्वारा समुद्र की गहराइयों में लगाए गए कैमरे में भी ये कैद हो चुके हैं। भले ही दिखने में थोड़ी ये खौफनाक लगते हैं, लेकिन असल में ये इतने खतरनाक भी नहीं होते हैं। जायंट आइसोपॉड्स अधिकतर शांत ही रहते हैं। समुद्र में जो भी ऊपर से नीचे गिरता है या फिर मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उन्हीं को ये खाकर अपना गुजारा करते हैं। वैसे तो ये शार्क पर अटैक करते नहीं हैं, लेकिन यदि इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये शार्क पर या समुद्र के बड़े क्रिएचर्स पर भी अटैक कर देते हैं। जायंट आइसोपॉड्स को इको पैरासाइट्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे पैरासाइट्स जो दूसरे जानवरों के बाहरी स्किन पर रहते हैं। जायंट आइसोपॉड्स शार्क की बाहरी स्किन पर चिपक जाते हैं। इनके पास जॉस के 4 सेट होते हैं, जिसकी मदद से यह अपने शिकारी का खून चूसने लगते हैं। इस तरह यह अपने शिकार को काफ़ी चोट पहुँचाते हैं। जायंट आइसोपॉड्स के पास 2 एंटीना होते हैं जो इन्हें समुद्र में नेविगेट करने में मदद करते हैं। इनके पास आंखें भी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिससे काफ़ी धुंधला ही इन्हें नज़र आता है। समुद्र में बड़ी संख्या में पैरासाइट्स रहते हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि एक जीव या मछली के ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर अन्य पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइटिक कोपॉड के ऊपर 8 से 10 लीचेज रहती हैं, और इन लीचेज के ऊपर भी पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। हालांकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, समुंदर में शार्क को सिर्फ जायंट आइसोपॉड से ही खतरा नहीं है, बल्कि और भी कई जीवों से शार्क को बचकर रहना पड़ता है। साल 2017 में सैन फ्रांसिस्को के तट पर लियोपॉड शार्क बहकर आ गई थी, और यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अन्य शार्क थीं, और शार्क के साथ सैकड़ों अन्य मछलियां भी मौजूद थीं। पहले तो वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे। इतनी सारी शार्क्स का एक साथ नेचुरल डेथ तो संभव नहीं है, और ना ही इनके शरीर पर कोई ऐसे घाव थे। वैज्ञानिकों ने शार्क के ऊपर रिसर्च की और पाया कि इनकी मौत की वजह प्रोटोजोआन है, जो इनकी नाक से होता हुआ इनके दिमाग में एंटर कर गया था, और दिमाग में जाकर प्रोटोजोआन ने कोई एसिड को फॉर्म किया, जिससे शार्क की मौत हो गई है। दोस्तों, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इतनी बड़ी शार्क के लिए खतरा बन सकते हैं, ये हैरानी की बात है। और प्रोटोजोआन ने शार्क पर अटैक किया हो, ऐसा केस पहली बार सामने आया था। प्रोटोजोआन आमतौर पर फार्म फिश या फिर बोनी फिश पर ही अटैक करती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब एवोल्यूशन के कारण ही हो रहा है। जीव लगातार वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शार्क को इसके अलावा भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी आंख में यदि कोई तिनका या धूल मिट्टी भी चली जाए तो बहुत परेशानी होती है ना? लेकिन शार्क की परेशानी इससे कहीं ज़्यादा है। ओमाड़ा कोइटा एलोंगेट नाम का पैरासाइटिक कोपॉड शार्क की आंख के कॉर्निया के साथ खुद को अटैच कर लेता है। इनका साइज लगभग 1.2 इंचेस का ही होता है, और ये पैरासाइटिक कोपॉड अधिकतर ग्रीनलैंड और पैसिफिक स्लीपर शार्क को ही चुनते हैं। शार्क की विजन इसके कारण और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वैसे भी शार्क की देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और इन पैरासाइट्स के कारण इनकी समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन ये कोपॉड शार्क की कॉर्निया पर ही क्यों अटैक करते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शार्क की स्किन पर अटैक करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए कॉर्निया इनके लिए कंफर्टेबल जगह है। असल में शार्क की स्किन पर माइक्रोस्कोपिक डेंटिकल्स बने होते हैं, जो पैरासाइट से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और स्विमिंग में भी इन्हें मदद करते हैं। इन डेंटिकल्स के कारण शार्क की स्किन सैंड पेपर जैसी हो जाती है।
बहुत सी मछलियां इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और शार्क की स्किन से खुद को रब करती हैं, यानी शार्क को एक स्क्रैचिंग पोस्ट की तरह वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यह मछलियों के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि शार्क को उसकी स्किन पर रबिंग पसंद नहीं आती और जो भी मछली उसके आसपास आती है वो इस शिकार का भोजन बन जाती है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले लियोपर्ड सील्स और शार्क से रिलेटेड कुछ नई थ्योरी सामने आई है। लियोपर्ड सील्स के मल में से शार्क के ट्रेसेस साइंटिस्ट को मिले हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि समुद्र में मरी हुई शार्क को शायद ये सील्स खाती होंगी, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर तो शार्क का शिकार नहीं करेंगी। लेकिन हाल ही में जो स्टडी सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। लियोपर्ड सील्स के शरीर पर चोट के कुछ ऐसे निशान पाए गए जो शार्क से लड़ाई के दौरान उनकी बॉडी पर बने होंगे। ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि मुमकिन है कि ये सील्स जिंदा शार्क का भी शिकार करती होंगी। ये सील्स के लिए मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि शार्क की स्पीड और उनकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि शार्क काफ़ी न्यूट्रिशंस और टेस्टी होती हैं, इसलिए सील्स अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा करती होंगी। इसके अलावा एक और जीव ऐसा है जिससे शार्क को खतरा होता है, वो है जायंट मोरी ईल। ये समुद्र में पाए जाने वाली ईल की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। इसकी लंबाई 10 फीट और वजन 66 पाउंड्स तक हो सकता है। इन्हें अपने आसपास जो जीव जंतु और मछली नजर आते हैं ये उसका शिकार कर लेते हैं, फिर वो चाहे खतरनाक शार्क ही क्यों ना हो। इतनी बड़ी का सामना कर पाना शार्क के लिए भी आसान नहीं होता। ईल के पास जबड़े के दो मजबूत सेट होते हैं जिससे उन्हें शिकार करने में मदद मिलती है, और सामने वाला जीव चाहकर भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहता है। ऑक्टोपस और शार्क के बीच आमतौर पर जंग देखने को नहीं मिलती, और यदि इनका आमना सामना हो भी जाए तो शार्क का पलड़ा ही भारी नजर आएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं। एक एक्वेरियम में डॉग फिश शार्क और जायंट ऑक्टोपस मौजूद थे। एक दिन डॉग फिश शार्क मृत पाई गई। जब कैमरे में देखा गया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जायंट ऑक्टोपस ने ही शार्क का शिकार कर लिया था। अपने लंबे टेंटिकल से वो शार्क का शिकार करता है और उसे अपना भोजन बनाता है। शार्क को जायंट मोरी ईल, जायंट ऑक्टोपस और लेपर्ड सील्स के साथ साथ इंसान भी ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। लेकिन इसकी वजह इंसानों द्वारा इनका शिकार करना नहीं है, बल्कि शार्क्स को डाइव केजेस से नफरत होती है। कई बार शार्क डाइव केज पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ टूटे हुए अपने दांतों से ही संतोष करना पड़ता है। शार्क के दांत काफ़ी कमज़ोर होते हैं। शार्क के पास एक बारी में 1000 से 3000 तक दांत हो सकते हैं, और ये दांत 5 से 15 रोज में होते हैं। लेकिन ये सभी दांत बहुत कमज़ोर होते हैं। लोहे के केस के अलावा किसी बड़े शिकार पर हमला करते वक्त या फिर हड्डी चबाते वक्त भी ये दांत टूट जाते हैं। आमतौर पर 50 से 100 दांत रोजाना ही शार्क के टूटते हैं। लेकिन शार्क को दांत टूटने से ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बहुत जल्द उनके नए दांत आ जाते हैं। अपने औसतन 70 साल के जीवन काल में शार्क को 30 से 40,000 नए दांत मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला टॉपिक डिटेल में किस समुद्री जीव पर होना चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।